नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पूरे देश के लोग तिरंगा लहराकर खुशियां जाहिर कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में माहौल थोड़ा अलग था। अनुच्छेद 370 को हटाने और वहां पर धारा 144 लगाने के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल होने पर लोग घरों से कम ही निकले। कुछ ही जगहों पर तिरंगा फहराकर औपचारिकताएं पूरी की गई और इस बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो गया। जी हां, कश्मीर घाटी में लॉकडाउन को 13 दिन हो गए हैं, लेकिन कई पार्टियों के नेता अभी भी गिरफ्तार हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, जो पत्र वायरल हो रहा है उसे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है। ये पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर लिखा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पत्र में क्या लिखा गया था। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। सर, मैं अपनी नज़रबंदी के सिलसिले में जानकारी की तमाम असफल कोशिश कर चुकी हूँ और अब मेरे पास आपको लिखने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में सवाल करने पर दंडित या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कश्मीर फिलहाल अंधेरे में है और मुझे कश्मीर के लोगों के साथ ही उन लोगों की भी सुरक्षा की चिंता है जो इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, हम कश्मीरी मायूस हैं। मेरी माँ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ ही कई दूसरे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कर्फ्यू को लगे 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। घाटी में डर का माहौल है क्योंकि संचार के सभी साधनों को बंद कर दिया गया है, जिससे लोग हताश हैं। आज जब बाकी पूरा मुल्क देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कश्मीरियों को जानवरों की तरह पिंजरे में रखा गया है और उन्हें उनके जरूरी मानवाधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है। दुर्भाग्य से मुझे भी मेरे घर में नज़रबंद कर दिया गया है, जिसकी वजह आप बेहतर जानते हैं। हमें पता नहीं होता कि मिलने आए लोगों को गेट से ही कब भगा दिया जाता है, क्योंकि हमें भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, वो भी तब जब मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं हूँ और मैं हमेशा कानून मानने वाली एक नागरिक रही हूँ। हालांकि सुरक्षा बलों ने कई मीडिया पोर्टल्स और अखबारों में दिए मेरे इंटरव्यू का उदाहरण दिया है और इसे मेरी नज़रबंदी की वजह बताई है। मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने फिर से कुछ बोला तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको ये बताना मुनासिब होगा कि इन सभी इंटरव्यू की थीम असंवैधानिक तरीके से हटाए गए आर्टिकल 370 और इसके बाद लगे कर्फ्यू पर है। मैंने अपनी माँ की सुरक्षा की भी चिंता जाहिर की है, जो दूसरे सैकड़ों नेताओं के साथ 5 अगस्त 2019 से ही जेल में हैं। मैं अब तक ये समझने में नाकाम रही हूँ कि कश्मीरियों की दबाई गई आवाज़ को उठाने पर मुझे सजा क्यों दी जा रही है। क्या किसी के दर्द, किसी की मुसीबत और किसी के अपमान को जाहिर करना अपराध है, जिसके लिए हमेशा परेशान किया जा रहा है। अगर आप इस बात पर रोशनी डाल सकें कि किस कानून के तहत मुझे नज़रबंद किया गया है और कब तक ये जारी रहेगा, तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। क्या मुझे कानूनी सलाह लेनी होगी? मेरे साथ इस तरह का व्यवहार दम घोटू और बेहद अपमानजनक है। मुझे अपनी दादी को अपने बेटे से मिलवाने की इजाज़त लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, क्या वो भी एक संभावित खतरा है? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी नागरिक के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कल्पनातीत दमन के खिलाफ आवाज़ उठा सके? सत्यमेव जयते का नारा हमारे देश और इसके संविधान का मूल तत्व है। ये एक भयंकर विडंबना है कि दुखद सच बताने के लिए मेरे साथ युद्ध के अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस पत्र को आपको ना भेजने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में डाक सेवाएँ बंद है। सच की जीत होगी, शुभकामनाएं, इल्तिजा मुफ्ती। जी हाँ, ये वही पत्र है जिसे कभी गृह मंत्री अमित शाह को नहीं भेजा गया है। आपको बता दें, 5 अगस्त को जब राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के दो हिस्सों को हटाने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला हुआ, तो स्थितियों को बिगड़ने से बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या फिर नज़रबंद कर दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती भी उन्हीं नज़रबंद लोगों में से एक है जिन्होंने पत्र के जरिए अपनी बात रखी है। बता दें, इससे पहले भी इल्तिजा ने एक ऑडियो नोट जारी किया था कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इल्तिजा के इस पत्र के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।